हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो द थिंग इज कि जो रैंकर्स होते हैं उनके अंदर ऐसा क्या होता है जो उनको डिफरेंशिएट करता है? सो इसका एक सिंपल सा रीज़न होता है उनका एनर्जी लेवल। सो अभी जो लास्ट डेज हैं यहाँ पर बहुत मैक्सिमम लोगों का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है एंड वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ तुम्हें डिफरेंशिएट करेगी दूसरे लोगों से वो यही है, तुम्हारा एनर्जी लेवल एंड तुम्हारी कंसिस्टेंसी। सो यहाँ पर अगर आपने कल 10 घंटे पढ़ा है तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि नेक्स्ट डे भी आप एटलीस्ट 10 घंटे तो पढ़ो ही। तो बिल्कुल भी 1% भी एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था उस दिन मेरा एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हाई था, उसका रीज़न सिंपल सा रीज़न ये था क्योंकि उन 3 घंटे के बाद मेरे को वो सब कुछ मिलने वाला था जो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहता हूँ। उन 3 घंटे के बाद मेरे को वो सब कुछ मिलने वाला था जो मेरे को आज तक मेरे 25 सालों में मेरे को नहीं मिला है। उन 3 घंटे के बाद वो सब मेरे सपने पूरे होने वाले थे। सो उस टाइम मैं ये सोच रहा था। सो इसलिए उस टाइम नहीं, उस दिन नहीं, मैं हर दिन ये सोचता था, इसलिए मेरा एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता था। सो द थिंग इज कि आपको बिल्कुल भी 1% भी अपना एनर्जी लेवल डाउन नहीं होने देना है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम के लिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने मार्क करने हैं आपको एक अच्छी रैंक लाने के लिए। सो यहाँ पर हमारे पास दो अप्रोच होती है, एक होती है ऑफेंसिव एंड एक होती है डिफेंसिव। सो यहाँ पर अगर आपने 19 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से पढ़कर जा रहे हो, तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो थोड़ी सी ऑफेंसिव होनी चाहिए। सो आपको कोशिश करनी है कि आप 190 to 195 क्वेश्चन मार्क करो, देन ही ओनली आपकी रैंक आएगी। जब मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था तो हमारे 300 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 297 क्वेश्चन मार्क किए थे क्योंकि मैंने ओल्ड सब्जेक्ट, जो 19 सब्जेक्ट थे उनको मैंने अच्छे से पढ़ा था। तो मेरी जो अप्रोच थी मेरी वो हमेशा ऑफेंसिव ही थी। एंड जब मैं ग्रैंड टेस्ट देता था वहाँ पर भी मेरी अप्रोच हमेशा ऑफेंसिव ही रहती थी। सो उसका एक सिंपल सा मेरे को बेनिफिट ये हुआ मेरी ऑफेंसिव अप्रोच होने से कि जो क्वेश्चन में मेरे को डाउट होता है, अगर उन क्वेश्चन को मैं मार कर रहा हूँ तो जब मैं उस ग्रैंड टेस्ट को एनालाइज करता हूँ तो वहाँ से मेरे को पता लग जाता है कि जिस वे में मैं उस क्वेश्चन के लिए सोच रहा हूँ क्या मैं वो सही सोच रहा था। सो वहाँ से यहाँ पर भी आपकी ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो तो यहाँ पर भी आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो हमेशा ऑफेंसिव ही होनी चाहिए। नो डाउट आपको एग्जाम में डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट होने ही वाला है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको कुछ क्वेश्चन में डाउट ना हो। सो अगर आपने दो ऑप्शन रूल आउट कर दिए देन उस क्वेश्चन को तो मार्क करना ही करना है क्योंकि यहाँ पर अगर आप ठीक करते हो तो +4 मिलता है एंड -1 करते हो तो -1 ही होता है। ऐसा करने से अगर आपके आधे क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तो भी आपकी रैंक इंक्रीज ही होगी, वहाँ पर रैंक डिक्रीज नहीं होगी। सो अप्रोच हमेशा थोड़ी सी ऑफेंसिव ही होनी चाहिए अगर आपको अच्छी रैंक लानी है। देन थर्ड थिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रैंक लाने के लिए आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता होना चाहिए, आपको दूसरे लोगों के वीक पॉइंट का भी पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, जो आपके वीक पॉइंट है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के भी वीक पॉइंट होंगे। एंड अगर आप उस वीक पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग करते हो तो ऑब्वियसली आपकी रैंक इंक्रीज होगी। जो टॉपिक्स आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, सो अब जब आप लास्ट रिविजन करने जा रहे हो तो कोशिश करनी है कि जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक है उनको आप सबसे पहले करो। अगर वो कन्फ्यूजिंग टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं देन ही आपकी रैंक इंक्रीज होती है। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं कि हम कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें हम छोड़ देते हैं, बाद के लिए छोड़ देते हैं एंड उन टॉपिक्स को हम कभी कर ही नहीं पाते हैं। मेरे को याद आता है कुछ टॉपिक्स मैंने फाइनल ईयर में छोड़ दिए थे ये सोचकर कि मैं इन टॉपिक्स को इंटर्नशिप में कर लूँगा, बट वो इंटर्नशिप पूरी निकल गई थी एंड मैं उन टॉपिक्स को कर नहीं पाया था। सो जिन टॉपिक्स को आपने छोड़ रखा है सबसे पहले उन टॉपिक्स को इस टाइम कर लेना है अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी 100,000 रैंक आए। जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक हैं वो कन्फ्यूजिंग टॉपिक आपके लिए नहीं है, वो कन्फ्यूजिंग टॉपिक सबके लिए है। फॉर एग्जांपल अगर रिकेटसेल डिजीज से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा कि कौन से डिजीज का कौन सा एजेंट है, कौन से डिजीज का कौन सा वैक्टर है। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा कि कौन सी डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी होती है,
कौन सी वैक्सीन की कितनी एफिकेसी है। सो यहाँ पर अब आपको वर्क करना होगा। 100 क्वेश्चन ठीक करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 130 क्वेश्चन भी ठीक करना इनफैक्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट जो 130 to 150 में जो आपको कंपटीशन मिलेगा वो सबसे ज़्यादा 130 to 150 क्वेश्चन में ही ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको उन टॉपिक्स पर वर्क करना है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जब भी आपकी रैंक इंक्रीज होगी। देन नेक्स्ट थिंग इज कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आंसर होता है, जो क्लिनिकल क्वेश्चन होता है, उसका आंसर उसके क्वेश्चन में ही होता है। आपको सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स पिक करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ग्राम नेगेटिव बेसिलिकल ऑर्गेनिज्म है एंड रेफ्रिजरेटेड फूड की हिस्ट्री है एंड क्वेश्चन में डिफरेंशियल मोटिलिटी दे रखा है, तो आंसर उसका लिस्टीरिया ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज से क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन में आपको हर्ट से रिलेटेड कुछ भी एक वर्ड दिख गया, देन ऑप्शन में कोई भी डिजीज दे रखी हो, आपको मार्क करना है पोम्पिस डिजीज। सो यहाँ पर आपके 2-3 वर्ड्स को पिक करके आंसर करने वाली अप्रोच होनी चाहिए। इस अप्रोच से आपका एग्जाम में टाइम बचेगा एंड इस अप्रोच से आपको हेल्प उस टाइम मिलेगी जब आप एक बार सब क्वेश्चन को देख लोगे, देन उसके बाद भी आपके पास टाइम होगा, एटलीस्ट 40-45 मिनट्स आपके पास होंगी ताकि आप सब क्वेश्चन को फिर से रिव्यू कर पाओ। सो यहाँ पर अभी जब आप रिवीजन कर रहे हो तो कोई टॉपिक्स आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है या कोई क्लिनिकल, जिन टॉपिक से क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर आपको मिनिमम कम से कम अपना टाइम देना है एग्जाम में। अभी आपको कोशिश करनी है कि उनके जो 2 या 3 जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको पिक करना है। सो यहाँ पर ये वाली चीज़ अभी आपको सीखनी है, जब भी आपकी अच्छी रैंक आएगी आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा। सो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो आपके ये 3 घंटे 3.5 आवर्स होने वाले हैं, ये आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे, आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। सो आपको अपना 100% देना है। अभी ये जो दिन बचे हैं इसमें आपको अपना 100% देना है। सो ऑल द बेस्ट।